मकसूदनगढ़ में नशीला पदार्थ बेचने वाले दो आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। दोनों आरोपियों को पकड़कर भेजा जेल, जिसमें एक आरोपी छगन सेलर पर 16 मामले दर्ज हैं। छगन सेलर को जिला बदल की कार्रवाई मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा जारी है। इसके पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि हम स्मैक नहीं बेचते, स्मैक का नशा बहुत ही महंगा होता है, हम तो केवल एविल के इंजेक्शन और नींद की गोली ही बेचते हैं। आरोपियों में छगन सेलर हेमंत उर्फ मनचला ने खुलासा किया है और कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मकसूदनगढ़ के कुछ लोग हमसे हर महीना रुपया लेते थे, अगर हम इनको रुपया नहीं देते तो ये हमको धमकी देते थे, साथ ही धमकियां भी देते थे कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम पर छापा पड़वा देंगे। इसी बात से डरकर हम हर महीने इनको 5,000 रुपए देते थे। उनका नाम भी दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया है। उधर मकसूदनगढ़ तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा एवं मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी विनय कुमार शर्मा ने मकसूदनगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर को साथ ही प्राइवेट क्लिनिक चलाने वालों की मीटिंग ली। मीटिंग में सभी को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ एवं दवाएं अपनी मेडिकल स्टोर से न बेचें, और कोई भी दवा अपनी मेडिकल स्टोर पर लेने आता है तो बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई न बेचें, क्योंकि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने मकसूदनगढ़ में चल रही दवाइयों के नशे का खुलासा किया है। और आखिर ये दवाओं का नशे का कारोबार कहां से चल रहा है, साथ ही इसके पीछे कौन कौन है और इसमें किसका हाथ है, ये आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा इस मामले की छानबीन की जा रही है। और दूसरा एक आप लोग करें कि जो अपना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर का शेड्यूल है जो नेक्स्ट ड्रग्स हैं, दो ही कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो मान लीजिए किसी को क्रोसिन देना कोई इशू नहीं है उसमें, आप दे उसको, सरदर्द की दवाई देना, जुकाम की देना आप दे, लेकिन कोई भी जो दवाइयाँ आती हैं इस गलत तरीके से नहीं भेजेगा। हालांकि एविल भी ओवर द काउंटर होता है इंडिया में, बैन है कि नहीं है कि अपन लोग कार्रवाई करना, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि आप में से कौन बी फार्मा है कौन बी फार्मा नहीं है, किसके पास प्रॉपर रेगुलेशन के तहत मेडिकेशन लेने वाली दवाई है, उससे बेटर नॉलेज आप लोगों को होगी, इंस्पेक्टर से ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी दवाई किसकी हो सकती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि मैं किसी भी लड़के को या TI साहब कल हम लोगों ने दो नशे करने वाले और नशे बेचने वाले दो लोगों को पकड़ा था, दो आरोपी लोगों को, उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ये आजकल एक नशा नया तरीके का चल रहा है, ये भी के इंजेक्शन में ये लोग नींद की गोली या मानसिक तनाव की गोलियां डाल देते हैं और उन गोलियों को इंजेक्शन के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इस सबको नशा होता है। तो इस आधार पे जब हमने पूछा कहाँ मिलती हैं दवाइयाँ तो ये बता देते हैं कि मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं। इस कारण उन तहसीलदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने एक मीटिंग रखी, जिन सारे मेडिकल स्टोर्स वाले सारे RNP डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ अधिकारी सर शासकीय अधिकारी उनको बुलवाया था, उनके माध्यम में आज चर्चा हुई है आपस में कि हम लोग अब यदि कोई भी दवाई लेने आता है तो बिना डॉक्टर के पर्चे के बिना हम दवाई नहीं देंगे, और नशे की दवाइयाँ जो जिसमें नशे का एलिमेंट रहता है वो बिना डॉक्टर के पर्चे के बिना हम नहीं देंगे। इसके इसको लागू करने के लिए लोगों को बुलवाया। कल जो हम लोगों ने ये दोनों आरोपी पकड़े थे छगन और मनचला, तो छगन का तो करीब 16 अपराध पूर्व में है और इसका जिला बदल की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है, और जो दूसरा लड़का है तो उससे कुछ जानकारियां मिली है कि ये नशे की दवाइयां कहां से कैसे ले जा रहा है, तो उसको प्रभावी कार्रवाई करने का प्रयास। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।